हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कान्हा जी को ले लिया है और ऐसे हमें चोली पहनानी है। पीछे से हम इसको बांध लेंगे, फिर कमर पर हमें ये स्कर्ट पहना देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जैसे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। मैंने अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि ये प्योर कॉटन होता है, साथ ही साथ बहुत हल्का होता है। तो इसे बनी हुई जो ड्रेसेस है वो कान्हा जी के लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। पर अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी दूसरा कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। यहाँ से मैंने देखिए मेज़र करना शुरू किया है और कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 42.5 इंच यानी कि 42.5 इंच रखी है। मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कट किया है जिससे कि प्लेट्स अच्छे से पड़ेंगी और ड्रेस का लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो कपड़ा भी कर सकते हैं और कपड़ा नहीं हो तो आप इसको पीसेस में कट करके ज्वाइंट भी कर। बीच में से इसको एक बार ज्वाइंट किया है क्योंकि मेरा नहीं थी। चौड़ाई भी चौड़ाई है वो मैंने, अब इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं, वो मैंने 5 इंच यानी कि किया। क्या करना है, इसको हम पलट कर पीछे की तरफ से रखेंगे और यहाँ किनारे से साथ ही साथ नीचे की तरफ से और दूसरे कॉर्नर पे भी हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो हम देखिए ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तीन तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ नीचे से हमें लेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी लेस भी ले सकते हैं, 3 से 4 रुपये मीटर मिलती है। और अगर आप कान्हा जी की ड्रेसेस बनाते रहते हैं ना तो आपको ये थ्रेड लेस ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप इसको व्हाइट कलर में लेते हैं तो ये किसी भी कलर के फैब्रिक के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। अब हमें नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर लेस को रखते हुए सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। नीचे की तरफ से लेस लगाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने काफ़ी लंबा कपड़ा कट किया है इसलिए मैं पास पास में प्लेट डालूंगी। अगर आपने कपड़े की लंबाई कम रखी है तो आप थोड़ा सा दूर दूर भी प्लेट्स डाल सकते हैं। अब हमें किनारे से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ कर फोल्ड करना है और ऐसे हम पहली प्लेट डालेंगे। फिर से हमें कपड़े को पकड़कर दोनों तरफ से फोल्ड करना है और जो हमने पहली प्लेट डाली है उसके ऊपर हम ये दूसरी प्लेट रखेंगे। ऐसे ही एक के ऊपर एक करके रखते हुए हमें सभी प्लेट्स को डालना है। तो ये कॉटन का फैब्रिक है इसीलिए इसमें प्लेट डालना बहुत आसान होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो कॉटन के फैब्रिक का यूज़ करें जिससे कि आपके लिए ड्रेस बनाना आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए 6 से 7 प्लेट डाली है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे नीचे की तरफ से सभी प्लेट्स एकदम बराबर होने चाहिए क्योंकि इधर से हम फोल्ड करके सिलाई लगा चुके हैं तो अब कटिंग नहीं कर सकते हैं। ऊपर से अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको कट करके सेट कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर लॉक करने के बाद मैंने देखिए सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है जिससे कि कपड़ा यहीं पे लॉक हो गया है अब ये इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें प्लेट्स डालने में आसानी होगी। आगे भी हम ऐसे ही पकड़कर कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और प्लेट्स डालते जाएंगे। मैं एक बार में 6 से 7 प्लेट डाल रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो 1 या 2 प्लेट डालते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स डालते हुए कमर पे सिलाई लगा ली है और कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। ये जो मेजरमेंट है वो मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है और ये ड्रेस आप 4, 5, 6 और 7 नंबर तक के कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 4.5 इंच की कमर की चौड़ाई रखनी है, 5 नंबर कान्हा जी के लिए 5 इंच, 6 नंबर कान्हा जी के लिए 5.5 इंच और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 6 इंच की कमर की चौड़ाई रखनी है। किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी चौड़ी होती है तो किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी सी पतली होती है। तो अगर आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं, जो भी साइज आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें कमर पे लगाना है बेल्ट, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है, इसीलिए बेल्ट की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है। अब हम देखिए दोनों तरफ से इसको एक एक बार फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप 1 इंच कम हो जाएगा। तो जो हमने बढ़ाकर 1 इंच कट किया था वो मैनेज हो गया है। अब हमें कमर पर इसको रखना है और सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे। अब मैंने ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। आप चाहें तो खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। बेल्ट को हमें एक बार ऐसे ऊपर से फोल्ड करना है, फिर हम इसमें रखेंगे ये डोरी। डोरी रखने के बाद ये देखिए मैंने एकदम बीचों बीच में डोरी रखी है और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो डोरी ऊपर सेंटर में आ गई और जो हम सिलाई लगाएंगे वो एकदम नीचे से लगाएंगे, जिससे कि डोरी लॉक ना हो, इसको हम इजीली इधर उधर खिसका सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगाकर बेल्ट को जॉइंट कर लिया है और मैंने नीचे से सिलाई लगाई है तो ये लॉक नहीं हुआ है, इसको हम इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर के फैब्रिक में से 2 पीस कट कर लिया है और इसका भी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 2 इंच यानी 2 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच ही रखी है। हमें चौकोर पीस कट करना है और सेम ऐसे ही मैंने टोटल 2 पीस कट किया है। अब हमें इसमें कान बनाकर लगाना है तो मैंने एक चौकोर पीस कट किया है, 2x2 इसकी भी लंबाई और चौड़ाई मैंने रखी है। बीच में से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये चौकोर पीस है, बीच से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। अब ये जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, ये देखिए। अब हमें एक एक बार पतला पतला सा ऐसे फोल्ड करना है दोनों तरफ से और फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें टोटल 2 पीस बना के तैयार करना है तो मैंने 1 पीस पहले से बनाकर रखा था। अब यहाँ किनारे पे हम ऐसे इसको रखेंगे, ये देखिए, और 1 पीस हमें इधर की तरफ से रखना है इस तरीके से। चोली में डोरी भी लगानी है तो ये मैंने 2 पीस कट किया है गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से, इसको हमें यहाँ सेंटर में रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये जो दोनों मैंने कान बनाए थे उसको तिरछे में रखा है और सेंटर में ये 2 डोरी रखी है। अब दूसरे वाले पीस को हमें पलटकर इसके ऊपर रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस पर ऑल पिन लगाकर इसको लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो हमने कान रखे हैं वो इधर उधर खिसके नहीं। तो मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑल पिन ले लिया है और इस तरीके से हमें इसको किनारे पे जॉइंट करना है ऐसे करके। ये मैंने अंदर की तरफ रखा है जिससे सिलाई में इस पर सुई ना जाए और सुई टूटे नहीं। सेम ऐसे ही ये जो दूसरा वाला कान है इसको भी हमें एकदम यहाँ से ऐसे सेट करना है, ये देखिए हो गया ना। और ये डोरी अब सेंटर में रख कर
फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें से ऑल पिन निकालेंगे, नहीं तो पलटने में दिक्कत आएगी। तो पहले ये ऑल पिन हमने जो लगाई थी वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसको इजीली पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोली बनाकर भी तैयार कर ली है और अब हमें स्कर्ट में इसको ज्वाइंट करना है। तो ऐसे करके हम रखेंगे, पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये जो हमने कमर पे सिलाई लगाई है ना बेल्ट जॉइंट करने के लिए, वहीं से सिलाई लगाकर हम चोली को भी जॉइंट करेंगे। ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर से डोरी जॉइंट हो जाएगी तो ड्रेस पहनाने में कान्हा जी को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगाकर चोली को स्कर्ट में जॉइंट भी कर लिया है और साथ ही साथ मैंने फैब्रिक कलर से यहाँ पे दो आँख और एक फेस भी बना लिया, जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।